नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल जेबीटी पोस्ट में। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार शिशुपाल का वध हुआ। शिशुपाल के वध के आड़ में, यूं कह लीजिए कि ओट में, दुर्योधन किस प्रकार से राज्य यज्ञ को खंडन करने का विचार बना रहे हैं। उन्होंने इस यज्ञ को अशुद्ध मान लिया है और अब वो युद्ध का आह्वान दे दिए उन्होंने सीधा सीधा श्री कृष्ण को कि मैंने शिशुपाल को वचन दिया है, मित्र थे मेरे। हाँ, और मैंने परस्पर रक्षण का वचन दिया था कि मेरी रक्षा वो करेंगे और उनकी रक्षा मैं, और अब उनके मृत्यु के उपरांत मुझे उनका प्रतिशोध लेना मेरे क्षत्रिय धर्म का ज्ञान करवाता है। तो फिर से एक वॉर युद्ध जैसा माहौल क्रिएट हो गया है, जैसे आमने सामने हर अच्छे मोमेंट पे आ जाते थे, आ चुके हैं। तो देखते हैं आगे क्या होता है, ये युद्ध शुरू होता है कि नहीं। चलते हैं एपिसोड 142 पार्ट 2। राजा दुर्योधन, इंद्रप्रस्थ को अपने रक्त से अपवित्र मत कीजिए। माधव की ओर शस्त्र उठाने वाले को मैं क्षमा नहीं करता। भ्राता अर्जुन, यदि ये युद्ध का आह्वान है तो मैं इस युद्ध के आह्वान को स्वीकार करता हूं। युवराज दुर्योधन, युद्ध करने से पूर्व हस्तिनापुर के महाराज धृतराष्ट्र का आदेश आवश्यक है। पर हस्तिनापुर के महाराज यहाँ उपस्थित नहीं है महामंत्री। हस्तिनापुर का महामंत्री यहाँ उपस्थित है। वासुदेव को द्वंद्व युद्ध का आह्वान दे सकते हैं, परंतु इस तरह किसी दूसरे की राज्यसभा में शस्त्र नहीं उठा सकते आप। मैं आपको आदेश देता हूँ, अपने शस्त्र नीचे कीजिए। हस्तिनापुर के युवराज के पद का त्याग कर दीजिए। सेनापति महामहिम भीष्म का आदेश देना होगा। इंद्रप्रस्थ की रक्षार्थ अपने शस्त्र उठाएं। भाई कुछ ज्यादा उल्टा हो गया भाई। नहीं नहीं, मैं छोड़ता हूँ। भ्राता दुर्योधन, मैं आपसे विनती करता हूं, ऐसा कार्य मत करो। मेरे बच्चे बैठ जाओ। बहुत देर लेटे रह गए यार, पूरा मौज ले ली उन्होंने। मेरे बच्चे मूर्खता मत करो। मैं तो कुर्सी भी चली जाएगी। क्रोध पर अंकुश नहीं होता, उसे अन्य कोई पराजित करे या ना करे, उससे पहले पराजित कर देती है। अपने शस्त्र नीचे करो। अब याद हुआ, सही समझे। ये बार बार निकालनी पड़ती है, फिर रखनी फिर रख। इतना पर्याप्त नहीं सम्राट, आपके राज सिंहासन के सामने शस्त्र उठाने वाले को दंड मिलना आवश्यक। भाई साहब, यहां पर उपस्थित सभी राजाओं का विश्वास आपकी न्याय बुद्धि में दृढ़, इसलिए युवराज को दंड मिलना अनिवार्य है। डायरेक्ट चुनौती। मैं भ्राता दुर्योधन को क्षमा करता हूं। महाराज इन्हें दंड दो, दंड दो, दंड दो, महाराज इन्हें दंड दो, दंड दो, दंड दो, महाराज इन्हें दंड दो, दंड दो, दंड दो। सम्राट, आकाश की ओर थूकने वाले का मुंह स्वयं अपने ही थूक से दूषित होता है। वाह, तुम सही। आकाश से क्षमा नहीं, दंड देता है। शीघ्र
इसी प्रकार युवराज ने जो किया है उसके लिए आप युवराज को क्षमा नहीं कर सकते। दंड देना अनिवार्य है। अर्जुन को भी दंड दिया गया था भ्राताश्री। एक एक करके बदला शुरू हो गया, जबकि उसने तो गुरुकुल की कुलवधु पांचाली के सम्मान की रक्षा का प्रयत्न भी किया था। किंतु क्या दंड दूं मैं? दुर्योधन मेरा भाई है। भाई है, उसे दंड देकर मैं राजश्री को कष्ट नहीं पहुंचा सकता। सम्राट, नियति अपना मार्ग स्वयं निर्मित करती है, चिंता मत कीजिए, दंड निश्चित कीजिए। देवी द्रौपदी देवी से सम्राट मैं कुछ कहूं? भ्राताश्री दुर्योधन को दंड देकर राजश्री और महारानी को दुख पहुंचाने का मुझे तो कोई तात्पर्य दिखाई नहीं देता, किंतु गोविंद कहते हैं कि दंड देना आवश्यक है। तो सम्राट, योद्धा से उसके शस्त्र छीन लेना भी पर्याप्त दंड माना गया है। आप भ्राता श्री दुर्योधन को अपने शस्त्र त्याग करने का आदेश दीजिए। अपने शस्त्र त्याग करने का आदेश दीजिए। आप भ्राता श्री दुर्योधन को अपने शस्त्र त्याग करने का आदेश दीजिए। हम सम्मान पूर्वक उनके शस्त्र हस्तिनापुर पहुंचा देंगे। होती कौन हो तुम मेरा दंड निश्चित करने वाले द्रुपद कन्या? इस प्रकार मेरा अपमान करने का प्रयत्न मत करो। यह आपका अपमान नहीं भ्राताश्री, परिवार में उत्पन्न हुए संघर्ष का निवारण है। और आपके वस्त्र और आपके हृदय पर लगे लांछन को धो डालने का प्रयास है। जिसके चरित्र पर लांछन लगा हो वो मेरे वस्त्र की चिंता करती है। कौन रहो दुर्योधन? राधा दुर्योधन, ये मेरा आदेश है कि इंद्रप्रस्थ की सीमा के अंदर आप शस्त्र धारण नहीं कर सकते। आदेश मिल गया। भीम, अर्जुन, सहदेव, भ्राता दुर्योधन, भ्राता दुशासन और अंगराज से इनके शस्त्र ले लो। घोर अपमान। अपमान नहीं भाई, दंड। युवराज दुर्योधन है, अगले को अपमान लग रहा है ना? ये महामंत्री का आदेश है। भाई आप अपनी राज्यसभा में दंड दे सकते हैं कोई भी। राज्यसभा में शस्त्र उठाने पर मृत्यु दंड दिया जाता है सम्राट, मुझे भी वही दंड दिया जाए। रक्त बहे या ना बहे, क्या अंतर पड़ता है अंगराज? इसे भी अपना मृत्यु दंड ही समझिए। कर्ण के लिए तो मृत्यु दंड के समान ही है। लाइए ना धनुष दीजिए। डिसार्म्ड
हथियार मुझे दे दे दुर्योधन, ये हथियार मुझे दे दे दुर्योधन। और ज्यादा कर दिया तो देवी द्रौपदी के लिए उनका रीजन भी है तो और बढ़ गया होगा, बन गया एक तरीके से, पहले नहीं था। मैं ऐसा लग रहा कि उनकी वजह से दंड मिला है, उन्होंने दंड को सकती है। अच्छा तो दंड इनको किसी भी प्रकार का मिलता है, इनके लिए अपमान नहीं था, छोटा भी मिलता तो पहली बार तो मिलता, पिता ने तो कभी दिया नहीं, दिया होगा तो ये नौबत ना आती। किसी योद्धा से उसके शस्त्र छीन लेना उस योद्धा की युद्धहीनता का प्रमाण है, यानी अब वो किसी प्रकार का युद्ध नहीं कर सकता। खासतौर पे राज्यसभा में जिस प्रकार का इन्होंने दुस्साहस किया शस्त्र उठाने का, शिशुपाल ने दुस्साहस किया अपशब्द बोलने का, जिसकी गिनती 100 पूरी होते ही वासुदेव श्री कृष्ण ने उनको सजा दी क्योंकि वचन दिया था। अच्छा यहां पर देखिए चीजें बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स का मतलब कि वासुदेव श्री कृष्ण ने भी शस्त्र उठाया लेकिन उन्होंने किसी के विरुद्ध में शस्त्र उठाया, यहां पर दुर्योधन ने विरुद्ध में नहीं बल्कि सहमति में शस्त्र उठाया था। जिन लोगों ने इस पूरे प्रकरण पर ध्यान दिया होगा वो बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि जिस चेष्टा से ये शस्त्र उठाए गए थे वो चेष्टा थी राजसूय यज्ञ को भंग करने की। कहीं ना कहीं युधिष्ठिर जो है दंड नहीं देना चाहते थे लेकिन देवी द्रौपदी और वासुदेव श्री कृष्ण के कहने पर उन्हें दंड प्राप्त हुआ और पहली बार दंड का अनुभव कर रहे हैं। अच्छा एक और चीज देखने लायक है, हर बार मामा श्री बचा लेते थे, क्यों? क्योंकि तातश्री या ये भीष्म पितामह की निगाहों से दूर होता था ये शब्द, लेकिन आज पहली बार भीष्म पितामह और तातश्री के नजरों के सामने जिस प्रकार का घिनौना अपराध इन्होंने किया है वो दूसरे राज्य में किसी तो, और की सभा में है ना, किसी और की सभा में, इसलिए विरोध हो रहा है। अब देखना यह है कि क्या होता है आगे, किस प्रकार से ये इस विरोध का इस विद्रोह इस विरोध को विद्रोह में बदलते हैं, अब किस प्रकार वो इस विद्रोह का बदला लेंगे, क्योंकि अब देवी द्रौपदी के लिए उनके मन में कहीं ना कहीं एक भावना जागृत हो गई है, कर्ण के मन में भी हो गई, इन्हीं के कारण जो आज मुझे सजा मिल रही है। तीन कैरेक्टर स्पेशली दिखाए, दुर्योधन, दुशासन और कर्ण, और मामा के पास तो एक छोटा सा कटार है लेके घूमते रहते हैं, और सब्जी काटने का अपमान दिखाई दे रहा है देवी द्रौपदी के रूप में। फिलहाल देखना होगा अगले एपिसोड में कि किस प्रकार से इनके शस्त्र वापस हस्तिनापुर जाते, वहां क्या समाचार जाता है, क्या हस्तिनापुर इस चीज को देखते हुए इंद्रप्रस्थ पे आक्रमण करेगा या वो यहाँ पे अपना स्वीकार कर लेगा जिसे कहते हैं इंद्रप्रस्थ की छत्रछाया, राष्ट्र, क्योंकि चक्रवर्ती सम्राट की जो छत्रछाया न समझे, जो ना मान्य करे, उसको युद्ध का आह्वान है जैसा कि अर्जुन ने बताई रखा था, या कोई गेम होता है। चलिए शुरू करते हैं, ये सब देखने के लिए चलेंगे हम अगले एपिसोड में। फिलहाल इस एपिसोड से हमें यही विदा लेना पड़ेगा, प्लीज हमें लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।